देश भर में इस समय रंगों का त्योहार रंग चढ़ता दिखाई दे रहा है, वही हर तरफ अब रंगों की होली खेली जा रही है और भगवान श्री राम की नगरी में भी एकादशी रंगों की होली प्रारंभ हो गई। आपको बता दें कि रंगों का त्योहार एकादशी को अयोध्या में होली का त्योहार जो है चढ़ जाता है, मठ मंदिरों में आगाज होता है होली के त्योहार का और रंग चढ़ने लगता है। इसी कड़ी में हम इस वक्त मौजूद हैं सलाका पुरुष भगवान श्री राम मंदिर के आंदोलन परमहंस जी के समाधि पर, और यहाँ पर भी आज माहौल है होली का, क्योंकि भगवान श्री राम के आंदोलन में सलाका पुरुष रहे भगवान श्री राम परमहंस जी, जो कि इस आंदोलन से जुड़े रहे, और उनकी यह समाधि है जहाँ पे भी आज होली खेली जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी खुशी है यहाँ पे लोगों को होली की, और क्या इनकी परिकल्पना है, क्या सोच थी, वो हम जानना चाहेंगे आपसे कि भगवान श्री रामचंद्र के आंदोलन में, मंदिर आंदोलन में जिस तरह से जो सहयोग रहा है सलाका पुरुष कहे जाते हैं। जैसे श्री राम जन्मभूमि के सलाका पुरुष थे महाराज जी हमारे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण आज हम लोग जनक नंदन सब दास, होली का उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ हर मठ मंदिर में होली मनाई जाती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं उसी होली के ही गीत संगीत की ओर आपको लेके, होली खेलल अवध वासी, क्या है इस गाने का जो अपसार है, क्या कहना है? इस होली में जो है प्रभु श्री राम और पूरे चारों भाई और माँ जनकनंदिनी सब अपने आपस में बैठकर, पूरे अयोध्यावासी सब बैठकर के होली का गुणगान करते हैं और सुनते हैं और मनाते हैं। हिल मिल फागे परस्पर खेलत, हिल मिल फागे परस्पर खेलत, राजकुमार शुक्रासी, राजकुमार शुक्रासी, होली खेलत आज अवधवासी, होली खेलत आज अवधवासी, होली खेलत आज अवधवासी, होली खेलत आज अवधवासी, जय हो होली है, होली है, होली है, जय हो। वाह भाई वाह, प्रेम कुंवर फगुआ में भेजे, ओ प्रेम कुंवर फगुआ में भेजे, प्रेम कुंवर फगुआ में भेजे, प्रेम कुंवर आज फगुआ में भेजे, चरण कमल कितने मत में खासी, ओ चरण कमल मत खासी, आज होली खेलत होली है, होली है, होली है,
खेल कल गया बाबा चुनरी में पर गयो आगरी मेरो कैसो कटक रंग डारी मेरे चुनरी में पर गयो आगरी कैसो चटक रंग डारो जी मेरे चुनरी में पर गयो आगरी कैसो चटक रंग डारो सुंदरे श्याम सोना खेलो फागरी श्याम सोना खेलो फागरी मेरे चुनरी में पड़ गयो आगरी मेरे देखो चटक जैसे होली का जो रंग है वो अब चढ़ रहा है और घाटों पे भी और मठ मंदिरों में भी वो रंग दिखने लगा है और चटक रंग जो है वो भी निखरने लगा है। कहा ऐसा जाता है कि ये वो घाट है जहां भगवान श्री राम अपने समय भी होली खेला करते थे और यहाँ पे इन घाटों पे होली खेली जाती थी। कैसा रहा होगा उस समय का त्रेता युग? वह त्रेता युग की होली वास्तव में आज जो परिकल्पना हम लोग करते थे और देखते थे सुनते थे लोगों से, आज वो वास्तव में जब से राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है और तब से देखने को आने वाली जो अब की होली होगी, ये सत्र की जो आज हम होली बैठ करके और ऐसे पूज्य राम जन्मभूमि के सलाका पुरुष रहे स्वामी राम चंद्र परमहंस जी महाराज की समाधि स्थल पे बैठ करके जो आज हम लोगों ने वह परिकल्पना उनके मुखारविंद से जो सुनते थे, आज त्रेता की होली खेलने का उनके सन्निधि पर उनकी चूंकि समाधि नहीं हम लोग उनका ये घर मानते हैं और घर पे बैठ करके और हम लोग जो है समाधि यहाँ पे बैठ कर और सरजू के पावन तट पर जिस तरह से भगवान श्री राम अपने अनुचरों के साथ अपने भाइयों के साथ होली खेलते थे, आज हम सभी संत महंत और हमारे जी और स्वामी करपात्री जी महाराज के सन्निधि पर आचार्य नारायण मिश्र जी के सन्निधि पर बैठ करके और हम सभी लोग ने वह त्रेता की होली को परिकल्पना करते हुए आज त्रेता की होली को भव्य दिव्य रूप में खेल रहे हैं। बिल्कुल खुशी होनी भी चाहिए क्योंकि भगवान श्री राम का जो मंदिर है अब वो बन रहा है, जो इनका सपन था वो साकार होता दिख रहा है और यही सपना जब देखा था उन्होंने तो उससे कई वर्ष तो लगे लेकिन वो आज साकार होता दिख रहा, खुशी जाहिर सी बात है। क्या कहना चाहेंगे, जो आज राम मंदिर जो कि कई वर्षों से जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो समय भी अब देख रहे हैं हम। आज सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज जहां आप आए हुए हैं ये राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परम पूज्य श्री महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस समाधि स्थल है, उन्होंने राम मंदिर आंदोलन 1949 से लेकर आखिरी सांस तक उन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया था। आज वह समय आ गया है कि उन लोगों का सपना जो है उनकी तपस्या जो है आज साकार हो रहा है और भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। आज सामाजिक समरसता की होली है, एक दूसरे की मिलन की होली है। आज जितने भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे परम पूज्य श्री महंत अवैधनाथ जी महाराज, आचार्य गिरिराज किशोर जी, अशोक सिंघल जी, जितने भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे सबको खुशी हो रहा होगा और सामाजिक सौहार्द के साथ ये होली एक दूसरे से गले मिलने की होली है और शिकवा शिकायत मिटा करके जिसे भगवान राम ने सबरी को भी गले से लगाया। बिल्कुल, अब ये देखिए होली खेले रघुवीरा अवध में कैसे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा रघुवीरा होली के लिए रघुवीरा
खेलाए रघुवीर आयावल में, होली खेलाए रघुवीर होली के लए रघुवीर आवध में, होली के लए रघुवीरा। कौनों के हाथ कनक पिचकारी, कौनों के हाथ कनक पिचकारी, कौनों के हाथ कनक पिचकारी, कौनों के हाथ कबीरा। होली के लए रघुवीरा, ओ होली के लए रघुवीरा आवध में, होली के लए रघुवीरा। राम जी के हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण के हाथ पिचकारी, होली के लए रघुवीरा आवध में, होली के लए रघुवीरा। होली के लए रघुवीर आवध में, होली के लए रघुवीर आवध में, होली के लए रघुवीर। राम के हाथ कनक बिचारे, हनुमत हाथ अबीर आवध में, होली के लए रघुवीर। होली खेले रघुवीरा अवध में, और भगवान श्री राम की नगरी में हैं हम। आज पहले से ज्यादा कितना अंतर दिखता है, क्योंकि भगवान श्री राम की जो आज का समय राम राज्य की स्थापना है। सबसे पहले तो हम अपने पूरे भारतवासियों को रंगभरी होली की हार्दिक बधाई। अब ये होली जिस प्रकार से 500 वर्ष पहले अनंत लोग जो हमारे पुराने मतलब जो पुराण के अनुसार से होली मनाते थे, उसी प्रकार आज रंग भरी होली फिर मनाई जा रही है। हमारे अवध में जैसे त्रेता युग में होली मनाई जा रही, वही उत्साह फिर से एक बार पुनः स्थापित हो रहा है। हमारे राम राज्य की कल्पना जो थी अब पूर्ण होना हो रही है, और हमारे प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले हैं। राम मंदिर भी एक दिव्य और भव्य होली अब अगले साल तो हम अगर देखें कहीं विचार होगा, हनुमान जी कृपा होगी तो अगले साल तो हम मंदिर में ही होली मनाएंगे। और पूज्य महाराज जी के सानिध्य में इन्होंने इतना संघर्ष किया, इतना राम जन्मभूमि के लिए इतना ने उन्होंने, इसलिए हम इन सबको स्मरण करते हुए अब होली का दिव्य आनंद ले रहे हैं। और इस बार तो राम का आनंद और इस समय तो आनंद चल रहा है। राम जी तो पुनः देवशिला आई है, राम जी की प्रतिमा भी बन रही है। बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से हर बार की होली होती थी, लेकिन इस बार होली बेहद खास इसलिए हो जाती है क्योंकि इस वर्ष आप कहें तो गर्भगृह का भी कार्य पूरा किया जाएगा, और राम भक्त अब भगवान श्री राम को उनके अपने महल में देखने का सौभाग्य प्राप्त। आचार्य रामचंद्र परमहंस जी की एक बात मुझे स्मृति आती है। बचपना में एक बार मन के पास गया, हमने कहा महाराज जी ये बताइए कि ये राम राज्य पूरे हिंदुस्तान तक सीमित रहेगा कि पूरे विश्व में जाएगा। उन्होंने कहा अरे पगले, उनकी भाषा थी, अरे पगले नालायक, राम राज्य कुल हिंदुस्तान की नहीं होगी, मैं बोल रहा हूँ राम राज्य पूरे विश्व में छाएगा। आज स्मरण करता हूँ कि हमारा राम राज्य ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हमारे भारत का खून ऋषि सौनक है, दक्षिण भारत की कमला हैरिसन जो है अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, और भारत वर्ष के खून का हैली जो है अब अमेरिका में राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है रामचंद्र परमहंस जी का वो सपना अब साकार होने जा रहा है। हम भारत में नहीं पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं। बिल्कुल, पूरे विश्व में जो राम राज्य की स्थापना की है, किस तरह से क्या है प्रयास इसको भी देखते हैं, अब सुनते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम का जो परिकल्पना थी राम राज्य की स्थापना अब होते दिख रही है। पूरे विश्व की बात है और पूरे राष्ट्र की बात है, ये अच्छाई है जो ये अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। हम सब भी पूरे सहमति से और पूरे विश्व के साथ लेकर के इस राम मंदिर में सब लोग साथ एक साथ क्या सुनाएंगे।
जैसी होरी मचाई अवध में, जैसी होरी मचाई अवध में, जैसी होरी मचाई इते आई कुमारी राधिका उते कुमार कान्हाई खेलत भाग परस पर हिल मिल शोभा कैसी होरी मचाई अवध में, कैसी होरी मचाई अवध में, कैसी होरी मचाई अवध में, कैसी होरी बाजत ताल मृदंग झांझ टप मंदिरा सहनाई ओ बाजत ताल मृदंग ऐसी हो उरत गुलाल लाल भए बादर उरत गुलाल लाल भए बादर केसर कीच मनाई मानो मधवाधर आई अवध में ऐसी होरी मचाई अवध में ऐसी होरी मचाई अवध कैसी होली मचाई अवध में क्या कहना क्योंकि जिस तरह से अब राम राज की स्थापना हो चुकी है महाराज जी और अब खुशी जाहिर करने का मौका है कितनी खुशी है उसको किस तरह से आप जाहिर करेंगे खुशी और उत्साह का जो है प्रकाष्ठा है सभी अयोध्या वासी ही नहीं पूरे विश्व के लोग उत्साहित है उमंगित है कि 2024 में 14 जनवरी के बाद कभी भी प्रथम तल में भगवान के राष्ट्र के जो पुरुष हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम उनका जो है स्थापना हो जाएगा उत्साह हर्ष का जो अभिवर्धन हो रहा है आज से नहीं सत्युग आज नहीं अनादि जो है बुराइयों पे अच्छाई का जीत है असत्य पर जो है धर्म का विजय है सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते की जो है संकल्पना है धर्मो एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः धर्म का जो है असत्य पे धर्म का विजय है असत्य पे जो है सत्य का विजय है और सभी लोग उत्साहित हैं सभी लोग आनंदित हैं सभी लोग हर्षोल्लास से उल्लसित हैं कि इतने 500 वर्षों के बाद इतने अंतराल के बाद जो है आज समस्त जन्म समस्त जो है अध्यावासियों विश्व के लोगों को जो है भगवान का जो है दिव्य मंदिर का जो है स्थापना हो रहा है सब जो है उमंगित है सभी हर्षोल्लास से उल्लसित है भगवान का दिव्य मंदिर भव्य मंदिर 10 लाख लोगों के प्राणों के बलिदान के बाद जो प्राप्त हो रहा है सभी लोग बिल्कुल उत्साह बहुत है लोगों में और उत्साह के बाद अब हमारे साथ हैं एमबी दास जी आपसे भी समझ लेंगे कि किस तरह से बचपन में भगवान श्री राम यहाँ पे होली खेला करते थे और घाटों पे किस तरह से इन गलियों में घूमा करते थे महाराज देखिए भगवान श्री राम की पावन नगरी है उनकी जन्मभूमि है यहाँ का कोई एक गली नहीं बची है जहाँ भगवान खेले ना हो जहाँ भगवान जा करके होली ना खेले हों और भी क्रीड़ा ना किए हों ये तो वेद पुराण शास्त्र सब में वर्णित है और अयोध्या की होली अति प्राचीन होली है यहाँ की होली होती भी है तो उसकी अपनी एक मर्यादा है और जगह में जैसे हुड़दंगई होती है यहाँ हुड़दंगई नहीं होती बड़े मर्यादा में होली रंग होली खेल अवध की होली वैसे भी कही जाती है नाम ही शुरू की जाती है अवध की होली तो क्या अपने दर्शकों को आप सुनाएंगे अभी अवध की होली सुनाऊंगा आपको अवध की होली जो हमारी रसिक आचार्यों की परंपरा है जो मधुर उपासना उसके तहत जो होली की विधा रसिकाचार्यों ने लिखा उन्हीं ग्रंथों के बनाए हुए गीतों को हम लोग गाते हैं टीवी और सीरियलों के माध्यम से जो सुना जाता है अथवा और भी लोग जहाँ तहाँ की जो होली गाते हैं उससे हमारे अयोध्या वासियों को कुछ लेना देना नहीं है हमको तो अयोध्या की अपनी परंपरा में रहना है
बिल्कुल हमारी अपनी परंपरा, बिल्कुल अपनी परंपरा में रह के ही होली का जो पर्व है वो मनाते हैं। और घाटों और मठ मंदिरों पे आज जो रंग दिखाई दे रहा है वो एकादशी के बाद यहाँ पे अब दिखना शुरू हो गया है, और हर जगह एक ही हर्षोल्लास है क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर भी इस बार बन के तैयार होगा। तो क्या सुनाएंगे? खेलत राम सिया प्यारी होली खेलत, होली खेलत राम सिया प्यारी होली खेलत, खेलत हो होली खेलत हो होली खेलत, खेलत हो होली खेलत हो होली खेलत, होली खेलत राम सिया प्यारी होली खेलत, होली खेलत राम सिया प्यारी होली खेलत, केसर रंग के हौद भरे केसर रंग के हाथ भरे, केसर रंग के हौद भरे केसर रंग के हाथ भरे, कंचन मणि की पिचकारी होली खेलत हो, कंचन मणि की पिचकारी होली खेलत हो, अरे उड़त गुलाल अबीर कुमारत, गुलाल अबीर अबीर तुम कुमा अबीर तुम कुमार, अबीर तुम कुमार, अरे मारत हसी हसी दे तारी, ओ मारत हसी हसी दे तारी होली खेलत हो, होली खेलत राम सिया प्यारी होली खेलत राम सिया प्यारी, अरे एक ही एक धरत चल बल कर, एक ही एक धरत चल बल, अरे दो दिसी धूम मची भारी होली खेलत, ओ दो दिसी धूम मची भारी होली खेलत, ओ होली खेलत राम सिया प्यारी होली खेलत राम सिया प्यारी, अरे बरसत सुमन चलत पिचकारी, बरसत सुमन चलत पिचकारी, बरसत सुमन चलत पिचकारी, चलत पिचकारी चलत पिचकारी चलत पिचकारी चलत पिचकारी, अरे लखैया टन चढ़ी नर नारी खेलत, ओ लखैया टन चढ़ी नर नारी होली खेलत हो, राम सिया प्यारी होली खेलत राम सिया प्यारी होली खेलत, अरे प्रेम लता अवधपुर वासी अरे धनी धनी वेद कहत चारी, ओ धनी धनी वेद कहत चारी होली खेलत राम सिया प्यारी होली खेलत, होली खेलत राम सिया प्यारी, सियावर राम चंद्र की जय। देख सकते तस्वीरों किस तरह से जो यहाँ के अयोध्या के संत महंत है वो एक जगह एकत्र होकर हर जगह होली खेल रहे हैं, और कितनी ज्यादा खुशी है उत्साह है इसके बारे में आपसे, जिस तरह से हम लोग भगवान माँ की गोद में बैठे हैं माँ सरयू, किस तरह का जो यहाँ का जल है उसके बारे में हम सुनना चाहेंगे कि भगवान के जहाँ पे जब होली में आते थे तो यहाँ पे स्नान करते रहे, किस तरह से माहौल रहा। देखिये जो सरयू जी के किनारे इसमें भी आप देखिए जितनी नदियां हैं, एक दो नदियां नर्मदा और एक दो नदियों को छोड़ के सारी नदियां प्रदूषित हैं, और अयोध्या जी का जल देखिए श्याम और निर्मल धौल धारा है, और इसके किनारे जो भगवान अपने संग सखाओं के साथ खेलते थे तो निर्मल जल में बालू
कि जो ये रेता है इसमें भगवान दौड़ दौड़ के होली खेलना और सबके ऊपर रंग उछालना और सरयू जल में बार बार कूदना स्नान करना, ये तो भगवान का अपना खेलने का एक अलग अदा है। और बालक रूप में गोस्वामी जी भी कई जगह वर्णन किए हैं कि भगवान बालक रूप में गली गली अपना खेल खेल रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सुनाना चाहेंगे दर्शकों? होली में होली की परंपरा है और अयोध्या और मिथिला का एक मधुर संबंध है और इन्हीं मधुर संबंधों के बीच में होली का एक आनंद है जो हमारी मधुर उपासना है, बिना मिथिला के पूरा नहीं होता है। एक होली में गाने जाता हूँ, अरे होरी खेले लखन रघु रैया सखी, होरी खेले लखन रघु रैया, होरी खेले लखन रघु रैया सखी, होरी खेले लखन रघु रैया हो, होरी खेले लखन रघु रैया सखी, होरी खेले लखन रघु रैया हो, होरी खेले लखन रघु रैया सखी, होरी खेले लखन रघु रैया, अरे एक और खेले सिया सुकुमारी, एक और खेले सिया सुकुमारी, एक और खेले सिया सुकुमारी, अरे दूजे अरे दो और खेल चारो भैया सखी, होरी खेले लखन रघु रैया, दूजे और खेल चारो भैया सखी, होरी खेले लखन रघु रैया, होरी खेले लखन रघु रैया सखी, होरी खेले लखन रघु रैया। अरे इधर कलियों पे अलिया बुलाए, इधर कलियों पे अलिया बुलाए, अलिया बुलाए हो अलिया बुलाए, अलिया बुलाए हो अलिया बुलाए, उधर अलियों पे लालन लुभाए, इधर अलियों पे लालन घुमाए, शीतल पवन पुरे वह शीतल पवन पूरा भैया सखी, होरी खेले लखन रघु रैया, होरी खेले लखन रघु रैया, वह शीतल पवन पूरा भैया, होरी खेले लखन रघु रैया सखी, होरी खेले लखन रघु रैया, होरी खेले लखन खेल है लखन रघु रैया, उधर कलियों पे भौरे है काली, कलियों में भौरे है काली, इधर फूलों पे रंगों की लाली, इधर फूलों के रंगों की लाली, रंगों की लाली हो रंगों की लाली, ओ रंगों की लाली हो रंगों की लाली, दोनों भाते हैं रस के चखैया सखी, हो रघु रैया, भाते हैं रस के चखैया होरी खेले लखन रघु रैया, होरी खेले रघु रैया, होरी खेले लखन रघु रैया, होरी खेले लखन रघु रैया, पवन पूरा भैया पवन पूरा भैया, होली खेले लखन रघु रैया, चंद्र की होरी खेले रघु भैया अवध में, होरी खेले रघु भैया, होरी खेले रघु भैया अवध में, होरी खेले रघु भैया, दो राम रसिया, राम रसिया रंग लगा, दो राम रसिया, राम रसिया हो राम रसिया हो राम रसिया, राम रसिया हो राम रसिया हो राम रसिया, गाने दो राम रसिया,
कोमल गोल कपोल तुम्हारे, कोमल गोल कपोल तुम्हारे, कोमल गोल कपोल तुम्हारे, कपोल तुम्हारे, कपोल तुम्हारे, हमारे हाथ में आने दो, 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 राम रसिया हो राम रसिया रंग लगाने दो अबीर गुलाल उड़ाने दो, अबीर गुलाल उड़ाने दो, अबीर गुलाल उड़ाने दो, अबीर गुलाल उड़ाने दो, राम रसिया हो राम रसिया रंग लगाने दो, राम रसिया, राम रसिया रंग लगाने दो, लहंगा सारी सिंगार साज सब, लहंगा सारी सिंगार साज सब, सिंगार साज हाँ सिंगार साज सब, सिंगार साज, सिंगार साज, अरे दुल्हन भेष बनाने दो, दुल्हन भेष बनाने दो, दुल्हन भेष बनाने दो, दुल्हन भेष बनाने दो, राम रसिया ओ राम रसिया रंग लगा लगाने दो राम रसिया, अरे दुल्हन राज किशोरी बनेंगी, दुल्हन राज किशोरी बनेंगी, आ दुल्हन राज किशोरी बनेंगी, दुल्हन राज किशोरी बनेंगी, अरे फाग में ब्याह रचाने दो, 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 राम रसिया हो राम रसिया रंग लगाने दो, राम रसिया, राम रसिया रंग लगाने दो, राम रसिया, रूप लता हम सब मिलेगा वही, रूप लता हम सब मिलेगा, हम सब मिलेगा वही, हम सब मिलेगा वही, रूप सब मिलेगा वही, हम सब मिलेगा, आनंद मोल मचाने दो, आनंद मोल मचाने दो, आनंद मोज मनाने दो, आनंद मोज मचाने दो, राम रसिया हो राम रसिया रंग लगाने दो, राम रसिया, राम रसिया रंग लगाने दो, राम रसिया, राम रसिया हो राम रसिया हो राम रसिया, सरजू तट हो राम जी होरी, सरजू तट राम लय होरी, सरजू तट एक दिस राम सखन संग राज, एक दिस राम सखन संग राज, सकल सखी सिया ओरी सरजू तट, सकल सखी सिया ओरी सरजू तट, ओ सरजू तट कुंज मची होरी सरजू तट, सरजू कुंज मची होरी सरजू, अरे खेलहि फाग फाग रस मान, खेलहि फाग फाग रस मान, खेलहि फाग फाग रस मान, खेलहि फाग फाग रस माते, फाग रस माते, फाग रस माते, फाग रस माते, फाग निज कोल किए जोड़ी सर झूटत, झूटत राम यम लय होरी सर झूटत, अरे बाजहि ढोल मृदंग झाज ढप, बाजहि ढोल मृदंग झाज ढप, अबीर गुलाल भरे जोड़ी सर झूटत, आय अबीर गुलाल भरे जोड़ी सर झूटत, सर झूटत राम खेले होरी सर झूटत, ओ सर झूटत राम खेले होरी सर झूटत, सियावर रामचंद्र की जय। आपने देखा भगवान श्री राम का जो होली का वक्त था त्रेता युग की बात की, और किस तरह से भगवान श्री राम यहाँ गलियों गलियों में होली खेला करते थे, और हर वक्त ये था कि ये त्रेता युग की होली है, और कार्यक्रम जिस तरह से अब मठ मंदिरों में उसका आगाज हुआ है और चल रहा है, हर मठ मंदिर में आप जाएंगे तो इस वक्त अयोध्या के मठ मंदिर का अलग ही स्वाग है, और पूरा होली के जो
रंग है वो चटक होता दिखाई दे रहा है। अब हमारे साथ एमबी दास जी है, इनसे भी समझते हैं कि किस तरह से अगर होली की बात करें और आज और पहले की, आज किस तरह से क्या भिन्नताएं आई हैं, क्योंकि त्रेता युग का समय तो हमने नहीं देखा लेकिन आज का जो युग है उसको देख रहे हैं। त्रेता युग एक मर्यादा का युग था, भगवान राम की एक राम राज्य स्थापित थी, उस समय जो खेलने का तरीका लोगों का जो धर्म था वो ज्यादा था। कलयुग में धर्म का ह्रास होता है, एक चरण पर धर्म है, तीन चरण पर अनाचार पापाचार विराजमान है, या जो धार्मिक मर्यादा उसके माध्यम से हम बोल रहे हैं। पर फिर भी इस समय राम राज्य चल रहा है क्योंकि शासन सत्ता से लेकर के और आम जनता के विचार में भगवान राम विराजित है। वर्षों का राम मंदिर का साथ पूरा हो रहा है, आने वाले विगत 2024 मकर संक्रांति को रामलला विराजित होंगे, तो हम सब भाग्यशाली हैं कि इस समय, उस समय का तो हम लोग नहीं देखे हैं, पर इस समय भी अयोध्या के जो संत हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है, यहाँ बड़ी मर्यादित साधु हैं, और जिस भी तीर्थ में जाइएगा जो अयोध्या की परंपरा है, वृंदावन का एक अलग परंपरा है, वहाँ का हुल्लर होलरा जो गाते हैं वहाँ एक अलग परंपरा है, पर अयोध्या की जो परंपरा बड़े मर्यादा के साथ साधु मानस का पाठ करते हैं, बहुत मर्यादा के साथ साधु यहाँ के लोग होली का गायन करते हैं, तो मंदिरों में भगवान को जो होली सुनाने की परंपरा है अति प्राचीन है और अष्टाचार्यों द्वारा स्थापित है, संतों द्वारा स्थापित है। यहाँ मर्यादा में रह करके जो होली का रस लेते हैं और जो होली के जो पद हैं इनके साहित्य बड़े सुंदर हैं, पदों की संरचना बड़ी सुंदर है, तो ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में भी भगवान राम को याद करने वाले लोग लाखों की संख्या में हैं, और वो भी हम लोग भाग्यशाली हैं कि सरयू के पावन तट पर बैठ करके और संतों के बीच में। महाराज जी एक बात और है कि अब इस राम मंदिर बनते हुए राम मंदिर के हम गवाह भी हो रहे हैं, और ये कल को जब हमारे आगे की पुस्तकी पूछेंगी तो हम लोग ये बता सकें कि हमने अपनी आंखों से भगवान श्री राम का ये मंदिर बनते देखा है। जरूर हम कहेंगे कि हम भगवान के राम का मंदिर बनते देखा है, वो भी समय देखे हैं जब यहाँ गोलियां और लाठियां चलती थी और कहा जाता परिंदा पर नहीं मार सकते, आज तो लाखों लोग भगवान राम लला का दर्शन करते हैं, और पूरा अयोध्या में जो चौड़ीकरण चल रहा है इसके बाद भी आप देखिए थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, दुकानें बन जाएगी, राम मंदिर बनते ही अयोध्या के लोगों का और भाग्य जग जाएगा, उन लोगों के आय में वृद्धि हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा, इसके साथ साथ जो सैलानी हैं वो आएंगे उनके लिए भय खत्म हो चुका है, कहा जाए तो भय खत्म हो चुका है, निर्भय है, सब लोग निर्भय है, लेकिन सुख दुख में संसार है तो उसमें कुछ कमियां रहती हैं, पर हमें कमियों पर नजर नहीं डालना। राम राज की परिकल्पना के लिए क्या, राम राज की परिकल्पना है कि सभी सौहार्द से रहें, होली की बहुत बहुत बधाई देते हैं पूरे देशवासियों की, भगवान राम की मर्यादा का भाई भाई के साथ कैसे रहना है, पिता के साथ कैसे रहना है, समाज के साथ कैसा रहना है, राम के आदर्शों को अपने आचरण में उतारें और मर्यादा के साथ खूब आनंद से होली खेलें, किसी प्रकार की अप्रिय दुर्घटना घटना न हो, आपस में सौहार्द के साथ रहें। और कुछ सुनना चाहें तो हम लोग कुछ सुनाएं होली में, यहाँ तो मर्यादित पदों के माध्यम से सुनाते हैं, इधर उधर का होली हम लोग गाते नहीं। आइए देखिए एक और बढ़िया होली आपको सुना रहे हैं, ये रचना है श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। जानकी खेलन होली पिया संग चली, जानकी खेलन होली पिया संग चली, जानकी खेलन अपने अपने महल से निकसी, अपने अपने महल से निकसी, उर्सो हे चंपा कली हो, उर्सो हे चंपा कली, जानकी खेलन होली पिया संग चली, जानकी संग होली सुत कीरति उर्मिला मांडवी, सुत कीरति
उर्मिला चारों जन कलली ओ चारों जन अरे रमा की झमकी पिय के सन मुख होई रमा की झमकी पिय के सन अरे मुख भरी रोली मली जानकी के नन होई पिय संग चली अरे सिया जू के छूटत गुलाल भरी मुठी सिया जू के छूटत गुलाल मुठी भर सिया जू के छूटत गुलाल मुठी अरे राघव जी के पीछे का चली राघव जी के पीछे का चली अरे दुह दिस ते रंग बरसन लागे दुह दिस ते रंग बरसन लागे अरे बरसन लागे रंग बरसन लागे बरसन लागे रंग बरसन लागे दुह दिस ते रंग बरसन लागे दुह दिस ते रंग बरसन लागे कुम कुम छाई गली जानकी के राजा दशरथ कौशल्या झरोखनि राजा दशरथ कौशल्या झरोखनि राजा दशरथ कौशल्या झरोखनि राजा दशरथ कौशल्या झरोखनि अरे त्रिग सुख लेत भरी त्रिग सुख लेत भरी अरे सीता राम विनोद भाग में सीता राम विनोद भाग बली बली अग्र अली जानकी के नन पिय संग चली जानकी के नन पिया संग चली सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बिल्कुल आपने देखा कि भगवान श्री राम की नगरी में अयोध्या में मर्यादा के साथ होली खेली जाती है और जितने भी यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल अलग है और भगवान श्री राम का जो भी अयोध्या वासी है वो मर्यादा पूर्वक होली का आनंद लेते हैं और मठ मंदिरों में भी होली मनाई जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर साथ आकाश कुमार हिंदी खबर।